हेलो एवरीवन, मिथिला शर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और आप इसे किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं, जैसे चावल है, पुलाव है, पूड़ी है, पराठा है, रोटी है, आप किसी के साथ भी दाल मखनी को खा सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल मखनी बनाने के लिए 1 कप साबुत काली उड़द ली थी और उसको भिगो दिया था, और उसी कप से 1 कप हमने यहाँ पे चने की दाल और 1 कप हमने राजमा लिया था। तीनों को 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखी थी और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है, फूल गई है। तो अब मैं यहाँ पे इसको उबाल लूँगी। तो इसमें मैं डालूँ 1 चम्मच नमक और 5 से 6 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊँगी। तो यहाँ पर मैं गैस स्लो फ्लेम पे ही रखी थी और यहाँ पे जो दाल है अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं गैस पे रख दी हूँ पैन और इसमें डाल रही हूँ 2 कलछी देसी घी। घी गर्म हो गया अच्छे से और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और बिल्कुल ही इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और 2 लाल मिर्च मैं यहाँ पे डाली हूँ और अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो भी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़े साइज का टमाटो प्यूरी। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें डाली हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने से दाल मखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैं डाली हूँ जीरा पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला डाली हूँ और इसके साथ मैं तड़के को अच्छी तरह से पका लूँगी। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो हमने घी डाला है वो अलग ना हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे मसाला भून चुका है, तड़का तैयार है, तो इसमें अब मैं दाल मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने दाल मिक्स कर दिया है। आपको दाल जितनी थिक रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलछी पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने थोड़ा यहाँ पे गाढ़ा ही बनाया है दाल मखनी को, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो 2 कलछी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम पानी। गरम पानी का ही इस्तेमाल करें, ठंडा पानी ना डालें। मिक्स कर लूँगी और इसके साथ थोड़ी देर तक पकाऊँगी। अब मैं इसमें कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल रही हूँ। धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल मखनी का, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं इधर रखी हूँ गैस पे कलछी और इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बटर। इसको बस पिघला लूँगी, पकाना नहीं है, धीमे आंच पे मैं इसको पिघलाऊँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और बटर में मिक्स कर लूँगी। गैस के फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, बस मिक्स करना है और दाल में डालना है, इसको पकाना नहीं है, नहीं तो बटर जल जाएगा। बटर को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसको दाल में डालती हूँ और ऐसे ही चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मिक्स करूँगी। दाल मखनी में क्रीम और बटर डालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये टेस्टी बनती है, क्योंकि इसका नाम ही दाल मखनी है, तो इसलिए इसमें मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है और क्रीम का। तो मिक्स कर ली यहाँ पे।
अब मैं कुछ हरी धनिया डाल रही हूँ और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और यहाँ पे हमारी दाल मखनी बनके तैयार हो गई है, तो अब मैं सर्व करूँगी। अब मैं ऊपर से कुछ हरी धनिया और क्रीम से गार्निश कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी एक छोटा सा बटर का क्यूब। इससे दाल मखनी देखने में भी बहुत डिलीशियस लगती है और खाने में इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो होप कि आप सभी को हमारी ये दाल मखनी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर जो हमारी रेसिपी आप सभी को बनाने में आसान लगती है तो फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में हमारी रेसिपी को शेयर कर दें। अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही।